لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں, ملت اسلامیہ کے غیور نوجوان فرزندوں, اور میری لائق احترام بہنوں, جس ملک میں ہم لوگ رہتے ہیں اس کے باشندوں کا حال بڑا عجیب ہے. اگر یہاں پر کوئی خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے بھکت مل جاتے ہیں, اس کو بندگی کرنے والے مل جاتے ہیں. اگر یہاں پر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے امتی مل جاتے ہیں. اگر کوئی یہاں عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے حواری مل جاتے ہیں. اگر کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے مقتدی مل جاتے ہیں. اگر کوئی جھوٹا پیر کھڑے ہو کر اپنی ولایت کا دعویٰ کرے تو اسے مرید مل جاتے ہیں. اس مٹی کی بڑی عجیب تاثیر ہے, اور اسی مٹی میں رہنے والے کچھ شاطر ذہن کے لوگ, یہاں کی مٹی پہ رہنے والے ان انسانوں کے ساتھ بڑا عجیب کھلواڑ کرتے ہیں. سر دست دوسری طرف رخ کیے بغیر میں سیدھے سیدھے موضوع پر آنا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ کے چہروں کی بیتابی بتا رہی ہے کہ آپ کیا چیز سننا چاہتے ہیں. عزیزان محترم, 2011 کی بات ہے. مجلس تحفظ ختم نبوت کے دفتر پر مستقل فون آ رہے تھے کہ بی ایچ ایل کے علاقے میں ایک آدمی لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے ہیں. اس بات کو پھیلانے والا عبد القادر نامی ایک نو مسلم ہے, جو رہنے والا دراصل بھونگر کے علاقے کا ہے, اور اس نے آ کر سکونت اختیار کی بی ایچ ایل کے علاقے میں. جب ہم لوگوں کو پتا چلا تو مجلس تحفظ ختم نبوت کے
और शहर के कुछ उलमाए किराम बीएचएल के इलाके में पहुंचे। जाकर वहां पर उससे गुफ्तगू करना चाही तो उसने फरार इख्तियार किया। एक मर्तबा दो मर्तबा के बाद बहरहाल वो शख्स गुफ्तगू के लिए बहुत बाद में आमादा हुआ और उसने इस बात का एतराफ किया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ला चुके हैं। वहां पर तनाव का माहौल वहां के नौजवानों में उस शख्स से पैदा हो गया था। फिर उस इलाके में एक जलसा किया गया 2011 सितंबर में और वहां पर नौजवानों को समझाया गया कि हजरत महदी से मुताल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात आलिया क्या है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुजूल से मुताल्लिक अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किस चीज का तज़किरा है। दो महीने गुजरने के बाद बल्कि एक ही महीना गुजरा अक्टूबर 2011 में हम लोगों को इत्तला मिली थी कि इसी अकीदे को रखने वाला कि ईसा अलैहिस्सलाम आ गए हैं और वो ईसा शकील बिन हनीफ को कह रहे हैं, वही अकीदा रखने वाला आदमी अपने अफराद खानदान के साथ हज को जा रहा है। तो हम लोग मजलिस तहफ्फुज़ ख़त्म नबूवत के जिम्मेदारान हज हाउस पहुंचे और हज कमेटी के जिम्मेदारों से हमने उस शख्स का नाम पेश करके कहा कि ये शख्स इस किस्म का अकीदा रखता है लिहाजा इसको हज को जाने से रोक दिया जाए। उन्होंने कहा कि सिर्फ आपके कहने के ऊपर हम नहीं रोकेंगे, हो सकता है कि कोई जाति इनाद हो, जाति अदावत हो। हम लोगों ने कहा कि आप बुलाकर मालूम कर लीजिए। तो हज कमेटी के चेयरमैन साहब ने उस शख्स को बुलाया जिसका नाम अब्दुल रऊफ है, उसको बुलाकर उससे मालूम किया कि क्या आप इस किस्म के अकायद रखते हैं। तो उसने कहा कि हां मैं रखता हूं, मैं ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का अकीदा रखता हूं और साथ में मेरा यह अकीदा है कि वो आ चुके हैं। उस वक्त में उसको समझाने की कोशिश की गई तो उसने बिल्कुल आमादगी का इजहार नहीं किया। उसने कहा कि आप लोगों के अकायद गलत हैं, आप लोग मसीह के नुजूल का इनकार कर रहे हैं, महदी के जहूर का इनकार कर रहे हैं, लिहाजा मैं आपको गलत समझता हूं और मैं अपने अकीदे पर कायम हूं। उससे मुतालबा किया गया कि आप इसको तहरीरी शक्ल में दें। तो उसने तहरीरी शक्ल में वो सारी बातें लिख कर दी और वो सारी अहादीस जो हजरते ईसा इब्न मरियम के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई उसको मंसूब किया शकील बिन हनीफ की तरफ और कहा कि मेरा यह अकीदा है। हज कमेटी के चेयरमैन साहब ने
उस मसले को हज कमेटी के दूसरे जिम्मेदारान की तरफ ले गए, खुसूसियत के साथ हज कमेटी के मेम्बरान में हजरत मौलाना मुफ्ती सादिक मुहियुद्दीन साहब दामत बरकातहुम भी है। तो यह मसला उनसे रुजू किया गया, उन्होंने भी उस शख्स को समझाने की कोशिश की कि यह अकीदा तुम्हारा सही नहीं है, इस्लामी नजरियात के बिल्कुल खिलाफ है। इसके बावजूद वो मानने के लिए आमादा नहीं हुआ। तो हज कमेटी के लोगों के लिए बड़ी आजमाइश का वक्त था वो कि क्या किया जाए। एक तरफ इसके ये अकायद, अगर हम इसे रोक दें तो हम कानूनी जद में आ सकते हैं, लिहाजा उसकी उसी तहरीर को सन 2011 में जामे निजामिया रवाना किया गया। हजरत मौलाना आखिल साहब रहमतुल्लाह अलैह का मदरसा दारुलूम हैदराबाद को रवाना किया गया और उसी तहरीर को हजरत मुफ्ती सादिक मुहियुद्दीन साहब दामत बरकातहुम की जो दारुल कजा है मिस्रीगंज में, वहां रवाना किया गया। रवाना करके उनसे जवाब तलब किया गया कि इस तरह के अकाइद रखने वाले शख्स को क्या हज के लिए जाने की इजाजत दी जाए। तीनों जगहों से यह फतवा आया कि इस तरह के अकाइद का रखने वाला किताब व सुन्नत का मुखालिफ है और इस तरह के अकाइद का रखने वाला दायरे इस्लाम से खारिज है। इस फतवे के आने के बाद गालिबन 8 नवंबर की तारीख है 2011 की, मुनसिफ अखबार ने सुर्खियों के अंदर इस खबर को छापा था और उसको और उसके अफराद खानदान को हज को जाने से रोक दिया गया। जैसे ही उसको और उसके अफराद खानदान को हज को जाने से रोका गया तो यह मसला उनके खानदान में थोड़ा उलझ गया कि भाई मसला क्या है, आपको क्यों रोका गया, कि आपका नाम अखबारों में आया है और आप किसी नई अकीदे के मानने वाले लोग हैं। उन अफराद के घराने की जो औरतें हैं वो कुछ दीनदार घरानों से ताल्लुक रखने वाली लड़कियां हैं। ये अब्दुल रऊफ नामी शख्स और इसके भाइयों के पास के साथ जो खवातीन हैं ये कुछ दीनदार घराने की औरतें हैं, लड़कियां हैं। लिहाजा मजलिस तहफ्फुज खत्मे नबूवत ने 2011 में उन लड़कियों के घरवालों से राब्ता किया कि आपकी बेटियों के निकाह का मसला है इस वक्त में, क्योंकि मसला ईमान और कुफ्र का आ गया, क्योंकि आपके दामाद अब इस्लाम पर बाकी तो नहीं रहे। शहर के नामवर मदारिस का यह फतवा आपके दामादों के सिलसिले में है, लिहाजा आप हजरात सोचकर फैसला कीजिए। गैरतमंद मुसलमान हैं वो लोग, हम उन्हें दिल की गहराइयों से सलाम करते हैं। उन्होंने अपनी बेटियों के ससुराल को जाकर अपनी बेटियों को अपने घर ला लिया और कहा कि अब हमारी बेटी आपके साथ नहीं रह सकती, इसलिए कि तुमने दामने इस्लाम से अपना ताल्लुक तोड़ लिया है और एक नए अकीदे पर आप कायम हैं। जैसे ही एक ही घर की तीन बहुएं चली गई, फिर दूसरे दो घरों से दो लड़कियां चली गई, इस तरह पांच खवातीन अपने शौहरों को इस्लाम और ईमान की मोहब्बत में छोड़कर रुखसत हो गई और अपनी माओं के घर पहुंच गई तो इनके घरों में थोड़ा भूचाल आ गया था।
उसके बाद तहकीक में वो लोग पढ़े कि आखिर मसला क्या है, तो फिर उनको मसले की नौइयत बताई गई कि इस तरह महदी और मसीह होने का एक शख्स दावेदार है। ये उसके न सिर्फ मानने वाले हैं बल्कि ये उस झूठे की नबूवत या मसीहियत या महदवियत की तबलीग करने वाले लोग हैं। उस वक्त में लड़कियों के मां बाप ने अपने दामादों से मुतालबा किया कि अब आप हमारी बेटियों को निकाह से बाहर कर दीजिए कि हम अपनी बेटियों को रवाना करने वाले नहीं हैं। मसला 2011 में तलाक तक आ चुका था, लेकिन जब इन्होंने देखा कि सूरत हाल संगीन है, घर बिखरने के इम्कानात हैं, तो उस वक्त में इन्होंने फिर उलमाए किराम के सामने बैठकर, मजलिस तहफ्फुज़ ख़त्म नबूवत के जिम्मेदारों के सामने बैठकर गुफ्तगू की इस मौजू पर। कुरान और सुन्नत की रोशनी में इन्हें बताया गया कि महदी का जहूर होगा, यकीनन होगा, लेकिन कहां होगा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुजूल होगा, यकीनन होगा, लेकिन किस जगह पर होगा? उसके बाद उन लोगों ने एतराब कर लिया कि ठीक है, हमसे गलतफहमी हुई, हमसे खुसूर हो गया, लिहाजा हम तौबा करते हैं। बीएचएल के इलाके में बीरमगुड़े की कमान के आगे सबसे पहले अक्टूबर के महीने में जलसा किया गया, नवंबर के महीने में यह हज को जाने का वाकया पेश आया। फिर उसके बाद बहुत दिन तक यह मसला तना निजाई चलता रहा, उसके बाद उन्होंने तौबा करने का एतराफ किया। इन्होंने बाजाब्ता लिखकर हम लोगों को दिया कि हमसे गलती हो गई, हम तौबा करते हैं, हम एतराफ करते हैं कि हमसे कसूर हो गया। उसके बाद भरी महफिल के अंदर मेदक स्टील के बाजू में एक मुसल्ला है जहां पर वहां के लोग नमाज अदा करते हैं, उस जगह पर इन सारे अफराद का फिर से तजदीद निकाह हुआ, इनका फिर से निकाह पढ़ाया गया। उसके बाद कुछ हालात नॉर्मल हो गए थे, कुछ हालात नॉर्मल हो गए थे। नवंबर में फिर कुछ इत्तला मिली हम लोगों को कि कुछ और अफराद हैं सरगर्मियां कर रहे हैं, तो फिर नवंबर में 2011 में फिर हमने जलसा किया वहां पर और फिर वहां पर लोगों को समझाने की कोशिश की। फिर उसके बाद एक फिक्र लाहिक थी कि आखिर इसकी जड़ कहां पर है, इसकी जड़ कहां पर है। मुख्तलिफ इलाकों से खबरें वसूल हो रही थी कि दो अफराद वहां है, एक फर्द वहां है, इत्तला मिली के बिदर के इलाके में पाए जा रहे हैं, फिर इत्तला मिली के कुछ लोग जहीराबाद के इलाके के अंदर है। तो तहकीक करने पर पता चला कि इसका मबदा असल में औरंगाबाद के अंदर है। मैं और हमारे मजलिस के मुबल्लिग मौलाना अंसारुल्लाह कासमी, हम दोनों औरंगाबाद पहुंचे हैं। औरंगाबाद के उलमा से हमने जाकर राब्ता किया कि भाई हमारे पास इस तरह का मसला है, और हमें पता चला है कि उनका मरकज यहां पर है। माजरा क्या है आखिर, आप लोगों को कुछ वाकिफियत है? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमें वाकिफियत है, हम आपको पूरा वाकया सुनाएंगे। उन्होंने फिर हमको लेकर उस इलाके की तरफ गए जो इस फितने का मरकज है। औरंगाबाद शहर जहां पर खत्म हो जाता है, उसके बाद एक सलम बस्ती मिलती है बहुत बड़ी,
सलम बस्ती के खत्म होने के बाद एक बहुत बड़ी जमीन है जिसके ऊपर चीदा चीदा मकानात हैं कहीं कहीं पर, और बाकी सारी जमीन खुली पड़ी हुई है। उन लोगों ने हमसे कहा कि आपको हम ले जाएंगे लेकिन आप किसी से गुफ्तगू नहीं करेंगे, किसी से बातचीत नहीं करेंगे, ये शर्त है हमारी। हमने कहा ठीक है चलिए। तो उन्होंने हमको उस बस्ती से गुजारा जहां पर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा ऐसी बड़ी बड़ी दाढ़ियां, सरों पे टोपियां, उनके छोटे छोटे बच्चों के सरों पे टोपियां, उनकी मासूम छोटी 7-8 साल की बच्चियां उनके सरों पर स्कार्फ बंधा हुआ। ऐसा लगता है कि दीन और शरीयत के बड़े पाबंद लोग हैं। वहां से उन्होंने उस बस्ती से हमको गुजारा, इस कोने से उस कोने में हम पहुंचे तो जहां उनकी आबादियां खत्म होती है उसके बाद एक सड़क है, उसके पीछे एक मदरसा है। वहां मदरसे में हम लोग गए, उन लोगों ने हमारा तारुफ कराया कि भाई ये लोग इस तहकीक के लिए आए, आप लोग कुछ रहनुमाई कीजिए। तो उन लोगों ने बताया कि यहां बस्ती के अंदर ये जो लोग हैं ये किसी से मिलते नहीं है, ये किसी से मुलाकात नहीं करते हैं, ये किसी से बातचीत नहीं करते हैं। उसकी वजह ये है कि औरंगाबाद के लोगों में और ये शकील बिन हनीफ के मानने वालों का जो ग्रुप है इनके दरमियान में एक जबरदस्त झड़प हुई थी उस दौर में, जो अंजाम यहां के गैरतमंद मुसल्लियों ने किया वही अंजाम औरंगाबाद के मुसलमानों ने शकील बिन हनीफ के साथ किया 2011 से पहले। यहां तो छोटा वाकया हुआ है, वहां बहुत बड़ा वाकया हुआ। उनकी दुकानों को जलाया गया, उनके कुछ मकानात को जलाया गया, उसके नतीजे में बहुत ज्यादा दूरियां मुसलमानों में और शकील बिन हनीफ के मानने वालों में पैदा हो गई। तो उस मदरसे वालों ने हमसे यह बताया कि उस वाकये के बाद से इनका शहर के किसी लोगों से किसी किस्म का कोई रابطہ नहीं है। अलबत्ता लोगों को गाड़ियों में भर भर के रातों में लाते हैं, रात के औकात में कुछ लोगों को ये गाड़ियों में लाते हैं, कोई गाड़ी वो मकान में घुस जाती है, कोई गाड़ी ये मकान में घुस जाती है, कोई गाड़ी वो मकान में घुस जाती है। उसके बाद क्या होता है उसकी हमको कोई खबर नहीं है, उसकी हमको कोई खबर नहीं है। उन्होंने एक जगह की तरफ इशारा करके बताया कि ये उनकी इबादतगाह है, उसकी शक्ल एक कॉन्फ्रेंस हॉल की तरह है, एक कॉन्फ्रेंस हॉल की तरह है। कहा कि उनके प्रोग्राम्स इसी में होते हैं, वो नमाज इसी में पढ़ते हैं, वो जुमा इसी में पढ़ते हैं और सारे एक्टिविटीज उनके इसी में होते हैं, बाकी किसी से इनका कोई राबता नहीं है। 2011 के बाद से जब ये तहकीक करके हम वापस आए उसके बाद हम लोगों ने एक तहरीर BHL के इलाके में और उधर की के कुर्ब जवार के जो महल्ले थे वहां के मस्जिदों के जिम्मेदारों के नाम भेजा, उनको वाकिफ कराया कि आपके इलाके में इस तरह का फितना रोनुमा हुआ है, लिहाजा आप लोग चौकन्ना रहिए, शहर के दूसरे इलाकों से इस तरह की कोई खबर नहीं है, आपके इलाके के बारे में यह खबर मिल रही है, लिहाजा आप चौकन्ना रहिए। क्या करें, बदनसीबी, मौलवियों के ऊपर इल्जाम है कि ये लोगों को काफिर ठहराते हैं।
लोगों ने ऐसे ही नजरअंदाज कर दिया, हमारी तहरीर को ले जाके कचरे की कुंडी के हवाले कर दिया। जैसे ही लोगों ने नजरअंदाज किया तो उनको तो मौका ही मिल गया, अब अंदरूनी तौर पर वो काम करने लग गए। हम बार बार बीएचएल के इलाकों के लोगों से राब्ता कर रहे थे तो फिर इत्तला मिली कि नहीं साहब, एक्टिविटीज तो हो रहे हैं लेकिन खुले खुले अंदाज में नहीं, ढके छुपे अंदाज में हो रहे हैं, जाहिर नहीं हो रहे हैं, नजर नहीं आ रहे हैं। हम लोग मुस्तकिल उनसे रابطے में थे और ये कह रहे थे कि आप उनके ऊपर गहरी नजर रखो। फिर दो तीन महीने पहले हमको इत्तला ये मिली कि बंडलागुड़े के अंदर चंद्रायन गुट्टे के आगे का जो इलाका है बंडलागुड़ा, वहां कुछ नौजवान हैं और वो नौजवान इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ने वाले कुछ बच्चों को ये बावर करा रहे हैं कि हजरत ईसा आ गए। और फिर इसी दौरान हमको मोइनाबाद के इलाके के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में इत्तला मिली कि वहां के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर यही फितना वहां पर भी है। तो फिर यहां जो नौजवान बंडलागुड़े के इलाके में थे उनसे राब्ता करने की कोशिश की गई, तो जिस मकान में ये नौजवान रहते थे, दरअसल ये बिहार के रहने वाले हैं जो पढ़ने के लिए यहां आए हुए हैं, जिस मकान में ये लोग रह रहे थे मसलकन वो साहब हमसे अलग मसलक से ताल्लुक रखते हैं, तो उस मकानदार उस घर पे बार बार लोग जा रहे हैं कि भाई फला साहब है क्या, फला साहब है क्या, तो उनको जरा भनक पड़ गई कि हमारी तहकीक में लोग लगे हुए हैं। मकानदार ने जब उनसे पूछा क्या बात है भाई, लोग आपसे आपकी तहकीक में लगे हुए हैं, मात क्या है, माजरा क्या है, तो उन्होंने मकानदार से कहा कि मौल साहब बात दरअसल ये है कि वो तबलीगी जमात के अहबाब हैं, वो तबलीगी जमात के अहबाब हैं, हमको जमात में न निकलने की वजह से बदनाम कर रहे हैं, हम जमात में नहीं निकल